नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। दोस्तों, जो हमारा आज का वीडियो है भाइयों, 585 XP प्लस और 575 XP प्लस में दोस्तों क्या डिफरेंस है और कितने अलग हैं दोस्तों ये ट्रैक्टर, और कौन से ट्रैक्टर को लेने में फ़ायदा है, तो भाइयों इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। तो भाइयों, बहुत सारे भाइयों के मैसेज, फ़ोन वगैरह, काफ़ी जो है भाइयों ने संपर्क करा कि दोनों ट्रैक्टरों में फ़र्क बताओ जी, क्या फ़र्क है और दोनों में से कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है। तो भाइयों पहले फ़र्क की बात कर लेते हैं। भाइयों सबसे पहला फ़र्क आ जाता है ट्रैक्टर के इंजन में। दोस्तों 585 XP प्लस की CC ज़्यादा है और जो 575 XP प्लस है दोस्तों इसकी इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी थोड़ी कम। दोनों की आवाज़ वगैरह भी सुनवाऊंगा दोस्तों, बिल्कुल डिफरेंस है। कुछ मेरे भाई दोस्तों इस बात में बहुत ज़्यादा किसान भाई कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई 585 लिया जाए या 575 लिया जाए। तो भाइयों आज पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा कि दोनों ट्रैक्टरों में क्या फ़र्क है और कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए। तो भाइयों पहले तो फ़र्क हो गया इंजन में दोस्तों, बहुत ही मेन फ़र्क है दोस्तों, क्योंकि इंजन में फ़र्क होना चाहे वो थोड़ा हो या ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात होती है दोस्तों। CC का फ़र्क है दोनों ट्रैक्टरों का, 585 की CC ज़्यादा है और 575 की CC कम है। अगली बात आ जाती है दोस्तों टायर साइज की। भाइयों जो कंपनी फिटेड आता है 750/16 के बड़े टायर आते हैं 585 में, और दोस्तों 575 में आते हैं 6/16 का फ्रंट टायर। तीसरा जो फ़र्क आ गया दोस्तों ट्रैक्टर्स के गियर बक्से में, क्वालिटी में। भाइयों 585 XP प्लस का जो गियर बक्सा है फुल्ली कांस्टेंट मैश है, यानी कि 575 से एक दर्जा ऊपर है। और भाइयों अगर बात करें 575 XP प्लस की, तो दोस्तों इसमें PCM गियर बक्सा आता है, इसका गियर बक्सा 585 से एक दर्जा नीचे है, फुल्ली कांस्टेंट मैश नहीं है दोस्तों, पार्शियल कांस्टेंट मैश है। अगला जो फ़र्क है दोस्तों 585 जो XP प्लस टॉप मॉडल है दोस्तों, उसमें कंपनी फिटेड डबल ऑब्जरी वाल मिल जाती है आपको, कंपनी फिटेड आती है दोस्तों, और 575 के टॉप मॉडल में नहीं आती, अलग से लगवा सकते हैं कंपनी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 585 XP प्लस टॉप मॉडल है तो भाई उसमें एक ऑब्जरी वाल आपको कंपनी फिटेड ही दी जाती है। अगला जो फ़र्क है किसान भाइयों, वो फ़र्क बाहर से दिखता है, वैसे तो इंटरनली जो अंदर पार्ट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन जो बाहर दिखता है वो फ़र्क दिखा दूँ दोस्तों। 585 जो है XP प्लस, उसकी ब्रेक वाला ड्रम देख लो दोस्तों, ब्रेक का लेदर का साइज पूरा बड़ा है ब्रेक ड्रम का, इसमें 585 में 575 से काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्रेक है दोस्तों, जो हैवी हॉलेज पे बहुत बढ़िया काम देती हैं। और एक बार जो है आपको 575 का भी ड्रम चेक करा। तो भाइयों ऑयल मस्ट ब्रेक है दोनों ट्रैक्टर में, ये बात सही है, पर इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है काफ़ी छोटा है 585 के मुकाबले 575 का। बाकी भाइयों खेत में हर जगह चाल का दोनों ट्रैक्टरों का फ़र्क है, लेकिन ये मैंने आपको ब्रेकिंग सिस्टम इसलिए दिखाया क्योंकि ये बाहर से बिल्कुल दिख रहा है दोस्तों। 575 को हम 13/6/28 और 14/9/28 के साथ ले सकते हैं कंपनी फिटेड। और भैया जो 585 XP प्लस है, बहुत सारे भाई बहुत ज़्यादा कमेंटों में यही सवाल करते हैं कि 585 XP प्लस में दोस्तों कंपनी से तो आते हैं 14/9/28 के टायर, लेकिन इसमें हम 16/9/28 के टायर आराम से डाल सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों 575 से हम 14/9/28 के साथ भी ले सकते हैं और 13/6/28 के साथ भी ले सकते हैं। अब जो अगली बात करेंगे भाइयों, बहुत ही मेन बात करेंगे कि पावर। दोस्तों जो 575 XP प्लस की पावर है, 575 की दोस्तों 47 हॉर्स पावर है और इसकी RC में भी 47 ही हॉर्स पावर आएगी। और भैया जो 585 की एक्चुअल पावर है वो है दोस्तों 52 HP का ये ट्रैक्टर है, लेकिन कंपनी जो है 49.9 HP ही लिख के देती है RC पे। भाई उसका कारण है कि ज़्यादातर कंपनियां अब ऐसा ही करती हैं, स्वराज भी ऐसा ही करती है दोस्तों, जो 855 है उनका 55 HP का ट्रैक्टर है, लेकिन उसको जो है 49.9 ही लिख के देती है RC पे दोस्तों। इसका एक कारण है क्योंकि गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं। तो होता क्या है कि जो ट्रैक्टर में लेटेस्ट दोस्तों नॉर्म्स चल रहा है वो है TREMP 3A। दोस्तों अगर TREMP 3A अगर 50 HP से कोई भी कंपनी अपने ट्रैक्टर को ज़्यादा लिखती है RC पे, तो उसको दोस्तों TREMP 4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि CRDI सिस्टम के साथ उसको बनाना पड़ेगा। तो भाइयों जो इसकी एक्चुअल HP है, भाइयों बहुत सारे भाइयों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि सिर्फ 3 HP का फ़र्क है, तो भाइयों परफॉर्मेंस में भी और हर चीज़ में जो पूरा दोस्तों 4 से 5 HP का 585 का फ़र्क है। और भाइयों परफॉर्मेंस के और रिव्यू के 585 के दोनों ट्रैक्टरों के अपने चैनल पे वीडियो मौजूद हैं दोस्तों, आज सिर्फ मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा कि क्या क्या डिफरेंस है। तो भाइयों कंपनियां बहुत सोच समझ के बदलाव करती हैं दोस्तों। अगर 585 XP प्लस में आप 16/9/28 के टायर डालना चाहो तो बिल्कुल डाल सकते हो भाइयों, उसका मैं आपको बनतर ही दिखा देता हूँ, कंपनी ने बनावट ही उसी हिसाब से दी है दोस्तों। ये जो लिंकें पट्टी हैं इसकी काफ़ी ज़्यादा लंबी दी गई हैं 575 से,
वो इसीलिए दी गई हैं भाइयों कि अगर हम 16-9-28 के टायर भी डाल देंगे तो जो है कोई परेशानी नहीं आती। मेरे ट्रैक्टर में सेम लिंक के पट्टी है दोस्तों 595 टर्बो में, तो मैंने 16-9-28 के टायर डाल रखे हैं, कोई परेशानी नहीं। और भाइयों थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगी ट्रैक्टर की, लेकिन आप 16-9-28 के टायर बड़े आराम से 585 XP+ में डाल सकते हैं। अब भाइयों 575 XP+ की पट्टियाँ देख लो दोस्तों, लिंकेज जो है काफ़ी छोटी हैं भाइयों 585 के मुकाबले। दोस्तों इसकी जो बनावट है वो पूरी 52 HP के हिसाब से बनाई गई है 585 XP+ की। दोनों ही मॉडलों में भाइयों आप पावर स्टेयरिंग, सिंगल क्लच, डबल क्लच सभी कुछ ऑप्शनल ले सकते हैं, लेकिन हाल ही के टाइम में दोस्तों जो 575 में है वो कई सारे मॉडल हैं। जो 585 है इसमें आपको जो है भूमिपुत्र सीरीज में दो ही मॉडल मिलेंगे, एक बेस मॉडल सिंपल स्टेयरिंग सिंगल क्लच और दोस्तों पावर स्टेयरिंग डबल क्लच ऑब्जरी वाल के साथ में। लेकिन यहीं भाइयों 575 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कई सारे मॉडल मिल जाएंगे, एमटेक हाइड्रोलिक मिल जाएगी दोस्तों, सिंगल क्लच, डबल क्लच और भी कई सारे ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। भूमिपुत्र सीरीज की आज मैं बात कर रहा हूँ। तो भाइयों ये वो सारे फ़र्क थे जो दोनों ट्रैक्टरों में। अब दोस्तों कि बेहतर कौन सा है, दोस्तों अगर आपको घर की खेतीबाड़ी के लिए ट्रैक्टर लेना है, कोई किराया वगैरह नहीं करना, तो बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों 575 XP+। क्योंकि भाइयों किराए में कभी कभी जो PTO का HP चलानी होती है हमें जो है रोटावेटर वगैरह, लेकिन भाइयों जो अगर किराए पे ट्रैक्टर लेना है, कंप्यूटर लेवलर चलाना है और आपको थ्रेसिंग वगैरह का काम किराए पे करना है घर के काम के लिए, ये भी सही है। दोस्तों अगर आपको थोड़ा बहुत साथ में अपनी खेती के किराया भी करना है तो भैया ज़रूर XP+ लें। और भैया जिस किसान भाई को अपना कोई किराया वगैरह नहीं करना मेरे हिसाब से, तो भैया वो 575 लें, कोई परेशानी नहीं आएगी। बाकी भैया अपनी अपनी समझ की बात है, लेकिन दोस्तों अगर कमर्शियल काम हमें थोड़ा बहुत साथ में करना है और करना भी ज़रूर चाहिए, क्योंकि दोस्तों ट्रैक्टर कोई सस्ता नहीं है और अकेली खेती से पूरा नहीं होता। दोस्तों हॉलेज पे भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है ट्रैक्टर की 575 के मुकाबले। दोस्तों ऐसे अपना हॉलेज का काम होता है चढ़ाई वगैरह का, तो वहाँ पे दोस्तों ये वजन को आराम से चढ़ा लेता है जहाँ पे 575 थोड़ा दब जाता है। तो भाइयों आज का जो वीडियो था दोनों ट्रैक्टरों के कंपैरिजन का वीडियो था, भाइयों वीडियो कैसा लगा? और दोस्तों ये जो अपना वीडियो था दोस्तों रिव्यू सीरीज का वीडियो है ये, और भाइयों इस महीने जितने भी वीडियो आएंगे ज़्यादातर वीडियो दोस्तों सभी कंपनियों के ट्रैक्टर के रिव्यू के आएंगे। और भाइयों कोई बात रहेगी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद जी।